आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे उस कॉलेज के बारे में जो कि यूपी में स्थित है और यूपी के एक बहुत ही शानदार बहुत ही खूबसूरत शहर में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है ये कॉलेज। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी के बारे में। अगर मैं ट्रिपल आईटी की बात करूं तो अगर आप नॉर्थ इंडिया के टॉप 25 कॉलेजेस को ले लें या फिर अगर आप टॉप 5 ट्रिपल आईटीज को ले लें या फिर अगर आप टॉप 5 कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश भी ले लें तो ये कॉलेज उस जगह पे 100% अपने आप को प्लेस करेगी ही करेगी। इसमें हम लोग हॉस्टल के बारे में बात करेंगे, रैंक के बारे में बात करेंगे, प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करेंगे, क्या पॉजिटिव्स हैं क्या निगेटिव्स हैं। तो इतनी चीजों को देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और फ्यूचर में इसी तरीके की अगर वीडियोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो हाई गाइज, दिस इज आदर्श बैनवाल एंड यू गाइज आर वॉचिंग कॉलेज रिव्यूज बाय आदर्श बैनवाल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कॉलेज 1999 में बनी है, मतलब कि ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। तो सबसे पहली पॉइंट नोट करने वाली बात ये है कि ये कॉलेज बहुत ज़्यादा पुरानी है। तकरीबन इस कॉलेज को 20-21 साल होने को आ गए, मतलब इस कॉलेज ने तकरीबन 16-17 बार प्लेसमेंट हो चुकी है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। दूसरी बात ये, हम लोग रैंक की बात करते हैं। रैंक की अगर मैं बात करूं तो लगातार 3-4 साल में अगर देखेंगे तो इस कॉलेज की रैंक लगातार ऊपर आती आएगी। और कई बार क्या होता है कि हम लोग की जो NIRF रैंकिंग होती है वो हम लोगों को एग्जैक्ट चीजें नहीं बता पाती है कि वो कॉलेज कितनी अच्छी है। अगर मैं इस कॉलेज की बात करूं तो इस कॉलेज की NIRF रैंकिंग 82 है, जो कि इस कॉलेज के काबिलियत के हिसाब से इसे जरा भी जस्टिफाई नहीं करती है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो ट्रिपल आईटीज में मेजरली आप लोगों को पता होगा कैसे एडमिशन होती है। तो एडमिशन आप लोगों के जेईई मेंस के एग्जामिनेशन के बेसिस पे होती है और आप लोगों को CSAB जोसा की जो काउंसलिंग होती है उसके थ्रू यहां पे एडमिशन लेना होता है। अच्छा, ये वाली जो ट्रिपल आईटी है, ये ट्रिपल आईटी टॉप 5 अगर मैं ट्रिपल आईटीज के बारे में बात करूं तो उन टॉप 5 ट्रिपल आईटीज में आती है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को कोई अलग से एग्जामिनेशन या फिर कोई अलग से फॉर्म नहीं फिल करना पड़ता है, जस्ट लाइक ट्रिपल आईटी हैदराबाद। जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए हम लोगों को अलग से फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, इसके लिए कोई भी फॉर्म फिलअप आप लोगों को नहीं करना पड़ता। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स आप लोगों की एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, साथ में आप लोगों की 75% इज कंपल्सरी। अगर मैं CBSE की बात करूं और अगर अलग स्टेट बोर्ड की अगर आप बात करोगे तो आप लोगों को टॉप 20% जो होती है उसमें आनी पड़ेगी। अगर आप SC ST या फिर PWD हो तो आप लोगों को 65% भी अगर होता है तो आप लोगों को इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोर्सेज की। तो इस कॉलेज में आप लोगों को बस 3 कोर्सेज ऑफर की जाती है। कोई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल अगर आप सोच रहे हो तो इस कॉलेज में वो सारी चीजें ऑफर नहीं होती। पहला कोर्स है हमारा ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दूसरा कोर्स है हमारा IT और तीसरा कोर्स है हमारा IT इन बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो ये तीनों कोर्सेज यहां पे आप लोगों को ऑफर की जाती है। ठीक है, अब फीस स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर काफी कम है। जैसे कि दो टाइप के ट्रिपल आईटीज बेसिकली होते हैं, एक तो है कि जो हमारी गवर्नमेंट फंडेड होती है और एक होती है जिसमें हम लोगों की पब्लिक शेयर भी रहती है। तो जिनमें पब्लिक शेयर रहती है उन कॉलेजेस की जो फीस है, जो नई नई ट्रिपल आईटीज बनी है मेजरली, उनकी फीस काफी ज्यादा तकरीबन 13-14 लाख पड़ जाती है आप लोगों को 4 साल पे। लेकिन इस ट्रिपल आईटी की फीस क्योंकि बहुत पुरानी है और गवर्नमेंट है फुल्ली, इस वजह से इसकी फीस काफी ज्यादा कम है। अगर मैं ट्यूशन फी की बात करूं तो 60,000 पर सेमेस्टर है। मेस चार्ज की बात करूं, मेस मतलब कि जो आप खाना खाते हो ना उसकी अगर मैं बात करूं तो उसके लिए चार्जेस है 12,000। हॉस्टल फीस अगर मैं बात करूं तो अगर आप 2 सेट बेड लेते हो तो आपको 6,000 पड़ती है, वही अगर आप 1 सेट बेड लेते हो तो आप लोगों को 12,000 पड़ती है 6 महीनों के लिए। ठीक है, उसके बाद एडमिशन के टाइम पे आप लोगों को कुछ एक छोटी मोटी जो वो खर्च पड़ती है तो वो आप लोगों को देना पड़ता है 5-10 हज़ारों के लिए। तो वो एक बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो SC ST PWD जो बच्चे हैं उनको ट्यूशन फी में वेवियर मिलती है, मतलब छूट मिलती है, तो वहां पे आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाती है। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कॉलरशिप आती है। तो अगर आप चाहो, अगर आप एलिजिबल हो गए तो कॉलेज में जाने के बाद आप जब वहां पे एडमिशन डिपार्टमेंट पे जाओगे, वहां पे बात करोगे तो वहां पे आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि कौन से स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो, वहां पे जाके आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक NSP भी आती है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, वहां से भी जाके आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि हमारी प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट इस कॉलेज की बहुत बहुत ही शानदार है। अगर मैं इंडिया के टॉप 25 या 30 कॉलेज के नाम लो जहां पे सबसे अच्छी प्लेसमेंट होती है तो इस कॉलेज को आप उसके अंदर रख सकते हो। एवरेज पैकेज की अगर बात करूं तो 2019 की एवरेज पैकेज यहां पे 15 लाख रही थी। 15 लाख रुपीज इज द एवरेज पैकेज फॉर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। ठीक है, वही अगर मैं 2018 की बात करूं कितने होगी, गेस करो, 13.5 लाख थी हमारी। तो ये ग्राफ थोड़ी सी ऊपर आई है, ये नोटिसेबल पॉइंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा अब कट ऑफ के ऊपर हम लोग थोड़ी सी बात कर ले। सबसे अच्छी बात जो इस कॉलेज के सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली वो ये है कि इस कॉलेज में होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट कोटा वाली सिस्टम ही नहीं है। मतलब ये ओपन है, आप मतलब अगर आप किसी और स्टेट से हो या फिर अगर आप यूपी से हो तो आपको कोई भी फायदा और कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। सबसे पहली पॉइंट आप लोग नोट कर लो। अभी मैं आप लोगों को जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ दिखा रहा हूं और
जेंडर न्यूट्रल के लिए दिखा रहा हूँ। तो आप लोगों की अगर रैंक तकरीबन 11,000 के करीब होगी तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिलेगी। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए तो आप लोगों को तकरीबन आपकी रैंक जो है वो 6400 तक होनी चाहिए, 6400। और अगर आप लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स चाहिए तो आप लोगों को 7000 रैंक तक अगर होगी तो आप लोगों को ये कॉलेज मिल जाएगी। ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा था। वहीं अगर मैं अब ईडब्ल्यूएस के लिए बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के लिए वही रैंक जो है, फिर आप लोग यहां पे देख सकते हो, मैं रैंक दिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो तकरीबन अगर आप लोगों को लास्ट राउंड की अगर मैं बात करूं तो लास्ट राउंड में आप लोग देख सकते हो कि क्लोजिंग कट ऑफ थी 19212 फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। वहीं अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो 7800 रैंक तक आप लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाती है फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। और अगर आप लोगों को बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स चाहिए तो आप लोगों को 9800 रैंक तक ये कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। वहीं मैं अगर एससी एसटी या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के बारे में बात करूं तो नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये आप लोग स्पेशल राउंड में देख सकते हो, 18000 रैंक तक आप लोगों को ये मिलेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लास्ट राउंड में 19000 पे भी आप लोगों को मिली है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 12,300 रैंक पे भी मिली है और बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स आप लोगों को 13,400 रैंक पे भी मिली है। वहीं अगर मैं अब बात कर लूं एससी या फिर एसटी की और मैं देख लेता हूं अगर कट ऑफ, तो कट ऑफ आप लोग अगर देखोगे तो राउंड वन तक ही ये कॉलेज क्लोज हो गई थी और राउंड वन में 84,000 रैंक पे भी एससी कैंडिडेट को ये कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगी, जो कि काफ़ी बड़ी बात है यार। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो 53,000 रैंक तक आप लोगों को ये कॉलेज मिलती है। वहीं मैं अगर बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स की बात करूं तो 63,000 रैंक तक आप लोगों को मिल जाती है। एसटी कैटेगरी के लिए भी कुछ राउंड अबाउट कुछ इसी के अप्रॉक्सीमेटली रैंक है, तो यहाँ पे कुछ बात करने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, ठीक है यार। अब हम लोग काफ़ी बच्चों को हॉस्टल के बारे में भी जानना होता है कि भैया हॉस्टल के बारे में बताओ, तो जितना मैंने इसके बारे में देखा, हॉस्टल के बारे में जितनी इस पर इन्फॉर्मेशन जो मुझे वेबसाइट या फिर किसी बच्चों से मिली, तो हॉस्टल में जो आप लोगों को रूम मिलती है, आप या तो वन बेड ले सकते हो या फिर आप टू सीटर ले सकते हो, ठीक है, ये गर्ल्स और बॉयज़ मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, तो ले सकते हो। लेकिन बाथरूम जो है, जैसे कि आपने थ्री इडियट्स में देखा था कि सारे बच्चों के लिए बाथरूम क्या होती है कि एक बाथरूम रहती है, एक बाथरूम का मतलब ये है कि मल्टीपल बच्चे एक बाथरूम को यूज़ करेंगे। इतनी बड़ी हॉस्टल होगी उसमें एक बाथरूम तो नहीं होगा, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो, आप लोगों के लिए एक बाथरूम मल्टीपल लोगों से यूज करेंगे। तो वो हो गई हमारी हॉस्टल के लिए एक छोटी सी बात। रूम वगैरह काफी क्लीन रहती है, बाथरूम काफी क्लीन रहता है। मेस की अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा क्लीन मेस मिल जाती है। फूड अब मिक्स्ड यहां पे रिएक्शन आ रहे थे, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि काफी अच्छी फूड मिलती है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उतनी अच्छी फूड नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट आते हैं, अलग अलग जगहों से बच्चे आते हैं, अलग अलग बच्चों की अलग अलग टेस्ट होती है। लेकिन यूपी बिहार वाले जो बच्चे हैं या फिर झारखंड वाले बच्चे या फिर दिल्ली वाले बच्चे, उन लोगों को ये फूड ज्यादा दिक्कत नहीं देगी, ज्यादा परेशानी नहीं देगी, आप लोगों को ये चीजें पसंद आएगी। अब जब मैंने उनसे ये बात की कि ब्रेकफास्ट आप लोगों को कैसे मिलती है और लंच कैसे मिलती है और डिनर कैसे मिलती है, तो उन्होंने बोला कि भैया अगर ब्रेकफास्ट की अगर मैं बात करूं तो ब्रेकफास्ट हम लोगों को सुपर डुपर हिट मिलती है। अगर मैं फिर वो लंच के बारे में बात करूं, दोपहर का खाना, तो वो हिट होता है और फिर हम लोग रात आते आते वो डिनर हो जाता है, मतलब हम लोग का रात आते आते वो ग्राफ जो है गिर जाती है। तो आप लोगों को सुबह का खाना बहुत ही शानदार मिलता है। अब हम लोग आते हैं प्रोज और कॉन्स के ऊपर, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है इस कॉलेज का। सबसे पहले पॉजिटिव बात यह है कि आप लोगों को ग्रेट एलुमनाई नेटवर्क मिलता है। एलुमनाई नेटवर्क का मतलब यह है कि पिछले 16-17 साल में जो भी बच्चे प्लेस हुए वो अलग अलग जगह पे अलग अलग पोस्ट पे होंगे। अब आप लोगों को कहीं पे इंटर्नशिप अप्लाई करनी है, आप लोगों को कहीं पे या तो प्लेसमेंट पे भी मदद मिल जाती है या फिर अगर आप किसी अलग जगह पे स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहे हो तो वहां पे भी हेल्प आप लोगों को मिल जाती है। तो ये चीजें, ये एलुमनाई नेटवर्क जो है, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद कर देती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस कॉलेज की एलुमनाई नेटवर्क काफी ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरी बात यह है कि जो अच्छे रैंक वाले बच्चे हैं, क्रीम बच्चे ज्यादातर आते हैं। तीसरी बात यह है कि डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट, मतलब अलग अलग जगहों से बच्चे आते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे कोई स्टेट बोर्ड, होम स्टेट बोर्ड ऐसा ऐसा करके ये कोई फंडा नहीं, तो इस वजह से अच्छे बच्चे, ज्यादातर अच्छे बच्चे यहाँ पे पहुंच जाते हैं। समझ में आ रहा है इस बात को? अगली बात ये है कि यहाँ पे गुड कोडिंग एनवायरनमेंट, मतलब क्योंकि ईसीई है, आईटी है, तो कोडिंग जो है ये दोनों बच्चे ज्यादातर ऑल ओवर इंडिया में जो भी कॉलेजेस है इन दोनों ब्रांचेस में सबसे ज्यादा होती हैं। और खास करके इस कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो कोडिंग एनवायरनमेंट काफी अच्छा है। यही एक रीजन है कि यहाँ की प्लेसमेंट इतनी उभर के आती है। अगर मैं इस साल की बात करूं 2019 की, तो 39 लाख की प्लेसमेंट पैकेज एक बच्चे को ऑफर हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से कोडिंग एनवायरनमेंट अच्छे होने की वजह से प्लेसमेंट काफी अच्छी हो जाती है इस कॉलेज की। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट दिमाग में रख सकते हो बात की ओल्ड और एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है थोड़ी सी, तो ये भी बात दिमाग में रख सकते हो। और कॉलेज काफी बड़े जगह में फैली हुई है, 100 acres ऑफ लैंड में एक बड़ी सी गाछ वृक्ष और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में आप लोगों को ये कॉलेज मिल जाती है, ठीक है। बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा मिलता है, ये एक भी पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग आते हैं निगेटिव पॉइंट्स के ऊपर। निगेटिव पॉइंट्स में आपको ज्यादा तो निगेटिव पॉइंट्स मुझे ज्यादा मिले नहीं। पहला एक निगेटिव पॉइंट जो मुझे हर जगह देखने को मिला वो ये कि एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है, मतलब टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें नहीं बनती है, तो कभी कहा सुनी हो जाती है, तो उस वजह से थोड़ा बच्चों को भी कभी कभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट वो चीजें काफी ज्यादा निग्लिजिबल है, इस चीज को आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो। ये टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी प्रॉब्लम टीचर्स लोग के लिए है, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर
लेकिन आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि ये थोड़ी सी रिमोटली लोकेशन में है तो ये शहर से थोड़ा दूर हो जाता है, तो वो एक पॉइंट और है जो कि आप लोग इसमें नोटिस करके रख सकते हो। और एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगी कि अगर इसमें और भी कोई डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ब्रांचेस होते, क्योंकि कॉलेज काफी अच्छी है, तो डिफरेंट ब्रांचेस अगर होती तो फिर एक अलग सा बात होता, और यही एक वजह है मुझे ऐसा लगता है कि इस कॉलेज की रैंकिंग थोड़ी सी पीछे है, क्योंकि जब रैंक किया जाता है तो इन सारी चीजों को देखा जाता है कि आपकी कॉलेज कितने ब्रांचेस को ऑफर कर रहे हैं, कितनी स्ट्रीम्स रहती हैं, और फिर कैंपस एरिया कैसा है, आपकी रिसर्च लैबोरेटरीज कितनी कैसी है, पेटेंट फाइल आप लोग कितना करते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और यही एक वजह है कि कुछ प्राइवेट कॉलेज भी, जैसे कि VIT, SRM, MIT भी हो गए, तो ये सारे कॉलेज भी काफ़ी ऊपर राइज कर जाते हैं। तो मेरी ओपिनियन में अगर आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं IIIT दिल्ली लूँ या फिर IIIT इलाहाबाद लूँ, तो IIIT इलाहाबाद अगर आप देखेंगे तो यार थोड़ी सी ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कैंपस वैम्पस भी बड़ी है, प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अगर आप लोगों को इन दोनों में चूज़ करना होगा तो आप लोग शायद IIIT इलाहाबाद के ऊपर जा सकते हो, थोड़ा सा IIIT इलाहाबाद के ऊपर जा सकते हो। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इसी तरीके की और भी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हो, कॉलेज रिव्यूज़ अगर देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पर कॉलेज रिव्यूज़ की प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहाँ से कि आप और भी मजेदार कॉलेज रिव्यूज आप लोग देख सकते हो। तो इस ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यू को थम्स अप दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए लेता हूं अलविदा, मिलेंगे अगले दिन और एक मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के साथ बाय बाय।